जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं, मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उसे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माताजी है 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने कितना कष्ट उठाया। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं। मेरे परिवार में मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था और आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं प्रधानमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम लेंगे। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है।